जाके नालायक नहीं बोलता मैं, जाहिल नालायक बोलता उसको। तो उसका लेक्चर अटेंड करता था, मैंने उसके साथ में नमाजें पढ़ी है। जब भी वहां पे एक वो कादियानी आया हुआ था, एंड ही वाज सो इंसल्टिंग टू हिम, उसने इस तरह से इंसल्टिंगली बात की उसके कि पूछो मत। तो एनी गया। अगर हाँ कौन है वो, एनी एनी मतलब दूसरे रिलीजन की बुराइयां या उसमें अनसाइंटिफिक, और कुरान की जो क्लियर अनसाइंटिफिक बातें उसको कैसे घुमा के वो घुमा फिरा के ये करते हैं। ला इलाहा से बात करते हैं। हेलो हेलो। या हेलो, मेरी आवाज सुनाई हाँ दे जी रही है? भैया, आ रही देरी है जी, कैसे हो आप? हाँ, आई एम फाइन, हाउ आर यू? मैं ठीक हूँ भैया। अच्छा, क्या बात करेंगे? ओके गली भाई, देखिए मैं अराउंड 1999, उस टाइम हाँ से मैं ये जाकिर जाहिल जाहिल नालायक, जाकिर नालायक नहीं हाँ बोलता मैं, जाहिल नालायक बोलता उसको। हाँ तो उसका लेक्चर अटेंड करता था, मैंने उसके साथ में नमाजें पढ़ी है। और अच्छा उसके जो हाँ तो उसके जो डोंगरी में उसका जो ये होता था, उसका जो जहाँ पे वो IRF उसका फाउंडेशन था, वहाँ पे मैं जाता था, रेगुलर विजिटर था। एंड आई वाज कन्विंस कि इस्लाम इज अ वेरी ट्रू रिलीजन। वो जो साइंटिफिक बातें वगैरह जो करता था, तो आई वॉज वेरी मच कन्विंस कि अरे इतनी सब चीजें लिखी है। तो उस टाइम पे इतनी समझ नहीं थी कि कुरान वो जो मीनिंग लेता था वही यू आर टेकिंग इट फॉर ग्रांटेड। तो धीरे धीरे फिर जैसे हुआ, तो 2000 जैसे 2001 में नहीं 2001 नहीं 2009 अराउंड 2009 में, टिल 2009 आई वॉज अ वेरी पक्का मुस्लिम, 5 टाइम का नमाजी, ये वो दाढ़ी वगैरह। एंड इन 2009 मेरे को वो फेथ फ्रीडम की वेबसाइट, आई गॉट टू नो अबाउट द फेथ फ्रीडम वेबसाइट। तो ये जो अली सीना था, ये तो उसका देख के आई गॉट टू नो कि अरे ये ऐसा ऐसा चीजें हुए जो मेरे को पता नहीं थी। मतलब मोहम्मद ने ऐसी ऐसी चीजें की है, जैसे बनू कुरैज़ा का वाकया हो गया, या फिर बहुत सी ऐसी ऐसी चीजें हैं जो लौंडिया लौंडिया रखना वगैरह वगैरह, एंड आई कुडंट डाइजेस्ट इट। तो पहले तो ये जाकिर नायक जब भी इसके साथ था, तो ये ही इज अ वेरी इगोइस्ट पर्सन, ठीक है? अगर आप जरा भी उससे उसकी जो वो जो मानता है सलफीज्म, उससे कुछ अलग भी आप अगर कुछ ये करेंगे ना, तो ही विल आपको बहुत इंसल्टिंग आपके साथ बात करेगा। तो एक बार मैं एक लेक्चर में था, जब भी वहां पे एक वो कादियानी आया हुआ था, एंड ही वॉज सो इंसल्टिंग टू हिम, उसने इस तरह से इंसल्टिंगली बात की उसके कि पूछो मत। तो एनी अगर कोई मतलब इवन इवन दो यू आर मुस्लिम बट यू डोंट एग्री विथ हिज फिलोसॉफी ऑफ सलफीज्म, ही विल बी वेरी इंसल्टिंग टू यू। एंड ही नोज हाउ टू प्ले विथ वर्ड्स, ही इज वेरी गुड इन प्लेइंग विथ वर्ड्स। तो जैसे भी वो इसका लेता है कि जो द यूनिवर्स वॉज क्रिएटेड इन 6 7 days, राइट? जो तो उसका जो मीनिंग लेता है योम, अयोम इट मींस लॉन्ग पीरियड्स, ठीक है? बाइबल में तो ढूंढ ढूंढ के लॉजिक निकालता है, बट कुरान हाँ में वही चीज के लिए अब वो वर्ड यूज करता है लॉन्ग पीरियड्स, जबकि उसका खुद का मानना है कि कुरान अलोंग विद सही हदीस दे आर द मोस्ट बोथ यू हैव टू बिलीव, ठीक है? आप खाली कुरान हिस्ट्री हो तो यू आर नॉट अ ट्रू ट्रू मुस्लिम। तो वही वही कुरान में सही हदीस में मोहम्मद ने गिन गिन के बताया है कि अल्लाह क्रिएटेड क्ले ऑन सैटरडे, ही क्रिएटेड माउंटेन ऑन संडे, ठीक है? सही मुस्लिम की हदीस है ये, हदीस नंबर 2789 बुक 52 हदीस नंबर 10। ही क्रिएटेड माउंटेन ऑन संडे, ही क्रिएटेड ट्रीज ऑन मंडे, एंड ही क्रिएटेड थिंग्स एंटरटेनिंग लेबर ऑन ट्यूजडे, एंड क्रिएटेड लाइट ऑन वेडनेसडे। अब देखिए इसमें वो बाइबल में बोलता है कि अरे सूरज को बाद में बनाया, तो चीजें कैसे रह सकती है, जबकि वही हदीस में लिखा है कुरान में भी कि बोलता है क्रिएटेड, कि सूरज को बाद में बनाया, पहाड़ों के बाद बनाया सूरज को। हाँ हाँ पहाड़ के बाद बनाया, पर ट्रीज ट्रीज वर क्रिएटेड ऑन मंडे, एंड दिस वाज क्रिएटेड, लाइट वाज क्रिएटेड ऑन वेनेसडे। तो अगर लाइट ही नहीं थी तो ट्रीज ट्रीज कैसे रहेंगे? ट्रीज आर हाँ जिंदा ऑन लाइट ओनली सनलाइट। हाँ
तो उस टाइम पे भी जब भी हम लोग लेक्चर में जाते थे ना, तो लोग ये क्वेश्चन रेज करते थे कि कुरान में लिखा है कि नोबडी कैन नो व्हाट इज इन द वूम ऑफ द मदर, ठीक है, तो उस केस में वो लोग कैसे, हाउ डू दे प्ले विथ वर्ड्स, तो बोले ये इसने ट्रांसलेट किया है, क्या बोलते हैं, जो मौदूदी वगैरह ने, उन्होंने उसका मीनिंग एज अ सेक्स लिया है, बट अरबिक मीनिंग उसका सेक्स नहीं है, उसमें कुरान खाली इतना लिखा कि नोबडी नोज व्हाट इज इन द वूम ऑफ द मदर, तो व्हाट इज मीन इज नेचर, मतलब उसका नेचर क्या होने वाला है, सी हाउ दे प्ले इट वर्ड्स, उसका नेचर क्या होने वाला है, वो अल्लाह उसके बारे में रिफर कर रहे हैं, हालांकि वर्ड नेचर भी नहीं है कुरान में, तो हाउ डिड यू कंक्लूड के नेचर है, एंड फिर कुरान में फिर वो है ना कि नोबडी कैन प्रेडिक्ट व्हेन इट विल रेन एक्सेप्ट अल्लाह, ठीक है, तो जाकिर नायक अब कैसे बोलता है उसका कि अरे वॉटर इज ऑलरेडी देयर, so they already know that water is there and it is going, Quran में लिखा है, Quran में तो लिखा है कि nobody is, can predict when it is going to rain, और अभी तो अपना at least US का तो weather इतना ये sharp है कि it can predict, clearly predict can के आपका tornado आने वाला है और उस time पे आता है properly, और कैसे बातों को घुमाता है ये, he is very good at playing with words, ठीक है, तो ये चीज सब बाद में पता चली, तो ये जो अली सिन्हा है, अच्छा मुझे इसके बारे में बताइए, ये पहले तो मैं उसका आई वाज अ वेरी उसके वेबसाइट वगैरह पे जाता था, वहां पे उसके ये करता था, बट उसका बाद में हाँ कौन है वो, एनी आइडिया कौन है, क्रिश्चियन हो गया हुआ है अली सिन्हा, हाँ वो क्रिश्चियन हो गया, हाँ वो क्रिश्चियन हो गया, और फिर और खाली इस्लाम के ऊपर वो तंग करता था ना, हिंदुइज्म के ऊपर कुछ बोलता था, बात नहीं करता, पर वो क्रिश्चियन ही है लगता है मुझे, but you are the main, but you are the main cause for my this thing, and how I got about to know about this was ek muslim ne hi mujhe forward kiya, ye muslim ki ye rehti hai ki kuch bhi islamic hota hai na aag ban ke forward kar dete, to ek muslim ne mujhe ek email forward kiya jisme tha islamic library, to usme maine link click kiya to pehle dekha to are ye to thodi islam ki अगेंस्ट बात कर रहे हैं, पर चलो पढ़े ये सब झूठ है अपने को पता है, पर धीरे धीरे पढ़ते गया और विद रेफरेंसेस हदीस एंड, तो ही वाज द मेन कॉज ऑफ दिस थिंग ऑफ माय यू नो नोइंग द ट्रुथ एंड लिविंग इस्लाम एनीवे अच्छा दूसरी थिंग अभी जैसे ये लोग इतना दिमाग लगाते हैं, जब ये डॉक्टर है ठीक है और इतना एजुकेटेड, आप बोलते हो ना कि एजुकेशन इज मेन थिंग, आई डोंट थिंक एजुकेशन, अभी ये दाकिर नायक ही वाज अ डॉक्टर, ही वाज अ फेमस स्टूडेंट ठीक है, वेरी स्टूडियस पर्सन एंड वेरी गुड एट स्टडीज एंड, बट जब बात आती है दूसरे के रिलीजन में लॉजिकली ढूंढने की, तो ही विल प्रॉपरली मतलब दूसरे रिलीजन की बुराइयां या उसमें अनसाइंटिफिक, और कुरान की जो क्लियर अनसाइंटिफिक बातें उसको कैसे घुमा फिरा के ये करते हैं, एंड ही रियली बिलीव कि इस्लाम इज अ ट्रू रिलीजन, इट्स नॉट दैट फॉर मेकिंग मनी और समथिंग लाइक दैट, ओके, तो मेरा ये बोलना है कि आई मीन ये जो एक लॉजिकली माइंड में बैठा हुआ है ना, वेरी फ्यू पीपल कैन रिमूव दैट कि मेरा रिलीजन ही सही है बाकी सब गलत है. अभी जैसे अभी बीच में अभी वो आपके लास्ट लेक्चर में आया था, तीन चार लेक्चर पहले, वो मोहम्मद जा रहा है वहां पे, इस पे जा रहा है, क्या बोलते है, मिराज पे जा रहा है राइट, तो वहां पे वो बोलता है कि पानी प्याले में पानी कम हो गया राइट, मैंने वो सुना पूरा का आर्ग्यूमेंट, वो उतना आर्ग्यूमेंट वो ध्यान रखता है कि प्याले में पानी कम हो गया, उसकी इतनी लॉजिक नहीं है कि स्पेस के फ्रीजिंग टेम्परेचर में वो बिना स्पेस सूट लिए बिना ऑक्सीजन मास्क के कैसे गया वो राइट, और दूसरा उसने नबियों को नमाज पढ़ाई वहां पे, वो नबिया कैसे आए वहां पे और फिर मोहम्मद के पहले वापस आसमान पे चले गए वो लोग, हाँ एग्जैक्टली, जो नबियों को, हाँ नबियों को नमाज पढ़ाया ना उसने, वो कहां से आए फिर, वो कौन से गधे पे बैठ के गए थे, खाली मोहम्मद गधे पे बैठ के गया था, तो आई मीन ये लॉजिक जो जो एकदम वाजे क्लियर लॉजिक के लोग वो नहीं सोचते, एंड so just I wanted to share this story this thing thank you very much chale theek hai la ilaha theek hai bahut shukriya aapka thank you theek hai fir karenge baat aapse okay to bhai Zakir Naik jo hai wo ek over glorified kism ka islamic preacher hai kyunki wo pehla tha to isliye wo aisi baatein karta tha to bada mashhoor hai magar usne aaj tak kisi se debate nahi ki theek hai और कोई उसके कैरियर के ऊपर सवाए आम लोगों से बातें करने की
ना कोई डिबेट है ना कुछ है, और बेसिकली जो आर्ग्यूमेंट्स वो करता रहा है वो सारे बड़े जबरदस्त तरीके से डीबंक हो चुके हैं। मगर एक बात याद रखिएगा कि जैसी लॉजिक वो कुरान पे लगाता है या बाइबल पे लगाता है, वो अगर वही कुरान पे लगाने लग जाए तो कुरान भी उतना ही झूठा है जितना बाइबल या कोई भी और रिलीजियस बुक है। तो यही बात होती है। अच्छा जी, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।